गाइस, सबसे पहले आपने अपना पिक आर्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने एंड पे जाना है। यहाँ से आप कलर बैकग्राउंड में इसे ये अवाल आपने ओपन कर लेना है। सो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और जिस चीज़ की आपको इस वीडियो में समझ ना आए वो आपने मुझे कमेंट में बता देना है। एंड ये वीडियो आपकी बहुत वीआईपी होने वाली है। सो आपने यहाँ से नीचे रेल करना है और आपने जाना है ये ड्रॉप पे। ड्रॉप पे जाने के बाद आपने यहाँ से शेप पे आ जाना है। शेप पे आने के बाद आपने ये डब्बे वाला ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने फिल कर देना है। यहाँ से आपने फिर कलर वाइट कर देना है, ये वाइट, ओके। और यहाँ से आपने इस डब्बे को ऐसे अपने मर्जी का आपने रख लेना है। और यहाँ से आपने ये रेजर पे आके आपने यहाँ से शेप पे आना है, और फिर आपने ये दायरे पे आके यहाँ से ओके करना है, और यहाँ से आपने एक दायरा बनाना है। जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ पे आपने दायरे को ऐड कर देना है। यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा दायरा ख़राब है। सो यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूँगा और फिर मैं ड्रॉ में जाऊँगा। ड्रॉ में जाने के बाद शेप पे आऊँगा, यहाँ से इसी दायरे को मैं फिल कर दूँगा, ओके। और इसको मैं ब्लू कलर कर दूँगा, ये ब्लू। यहाँ से मैं थोड़ा सेटिंग ठीक कर लूँगा, ओके। और यहाँ से मैं फिर ब्लू के डब्बे को बनाना शुरू करूँगा। ये आपने इसके साथ मैच करना है। देखें बिल्कुल फिट हो गए। फिर मैंने ये रेज़र पे आके यहाँ रेज़र पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने फिर शेप पे जाना है, और यहाँ से आपने फिर ओके करके यहाँ से ऐसे करना है। ये दायरा बनाना है, आपने स्ट्रोक शेप बनानी है। दायरा मेरे ख्याल में मेरे से ठीक नहीं बना। वो आपने जब बनानी है ना वीडियो, मतलब कि आपने, सो आपने ये दायरा ठीक बना लेना है। ये गोल मेरे से ठीक नहीं हुआ, तो आपने अपना गोल ठीक कर लेना है। और यहाँ से आपने फिर टेक कर देना है, और फिर आपने जाना है ड्रॉ में। फिर ड्रॉ में जाने के बाद आपने शेप पे आके यहाँ से इसी को आपने फिल कर देना, ओके। और इस शेप को आपने ब्लू कलर में दोबारा कर लेना है, इसी कलर में जिसमें हुआ है वो वाली। यहाँ से आपने फिर यहाँ पे क्लिप लगा देना है, एक छोटा सा डब्बा बना देना है। यहाँ पर आपने डब्बा बनाने के बाद फिर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने फिर आ जाना है ड्रॉ में। ड्रॉ में आने के बाद आपने फिर शेप पे जाना है, और यहाँ से ये पहले वाला आपने क्लिक करना है और ओके कर लेना है। और इसका आपने कलर करना है वाइट। वाइट पे क्लिक करके आपने यहाँ से थोड़ी जूम कर लेनी। जूम करने के बाद यहाँ पे आपने टिक बनाना, अपनी मर्ज़ी का जैसा आप बनाना चाहते हैं। सो मैंने वो देखा नहीं अभी तक। सो यहाँ पर आपने यहाँ तक कर देना है, और यहाँ से आपने यहाँ तक कर देना, ठीक हो गया, ओके। यहाँ से आपने ओके कर देना, और ये आपका पॉपुलर क्रिएट सेव हो गया। यहाँ से आप जब इसको सेव करेंगे ये सेव हो जाएगा। और फिर आपने ऐसा करना है, पिक कार्ड को फिर ओपन कर लेना है, इसको आपने बैक कर देना। यहाँ से आपने फुल बैक करके आपने ऑल पिक्चर में जाके रिसेंटली में आपने जो पिक्चर जिस पे आपने लगाना है, सो मैं ये ओपन करूँगा और ये ओपन करूँगा। तो आपने इसको उसको ऐड फोटो पे आके वो जो आपने हमने बनाई है उसको आपने ऐड कर लेना। ये देखिए,
इसको यहाँ पे ले के आ कर यहाँ पर ऐसे यहाँ पे जैसे ओके कर देना है। फिर आपने टूल्स में जा कर क्रॉप में जा कर ये स्केयर वाले पे जाके आपने कर देना है और यहाँ पर ओके। तो आपकी पिक्चर कितनी वी आई पी बन गई, सेम पॉपुलर क्रिएटर की तरह लग रही है। और इसको आपने ड्रा में जाके यहाँ से सेव कर देना है। ओके गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक नहीं किया तो।